काफी जाओ निश्चित लोग करने छूटे का सुबह उठ जाके घर टूटने लगे। कोई घर में खाना बना रहा था, किसी का बच्चा स्कूल गया था, उस बच्चे का खाना इंतजार कर रहा था कि बच्चा स्कूल से आएगा तो खाएगा। एक महिला थी जिसके गले की गिनती का ऑपरेशन हुआ था, उसके पति और वो बच्चे घर में अकेले थे। उसके पति गिड़ाते रहे कि ऐसी स्थिति हमारे परिवार की है, और लोग उनके पक्का मकान को तोड़ते रहे। उस पक्का मकान की छत को दीवार को देखकर लगता है कि वह घर कम से कम 15 साल पहले का तो बना ही हुआ है, कोई आज का नहीं बना हुआ। इसलिए मैंने उन्हें आश्वासन दिया है और मैं इस आश्वासन को पूरा कराऊंगा। आगे कोई भी घर नहीं छूटेगा। बिरसा नगर के लोग आशंकित हैं। किसी का बयान उन्होंने पढ़ा कि अब कोई घर नहीं छूटेगा, मतलब कि पहले घर तोड़ने की योजना थी, तो वह भी आशंकित हैं। इसलिए हृदय द्रवित हो जा रहा है वहाँ जाने पर उन परिवारों की दशा को देखकर। तो ये स्थिति यहाँ की है। आज मैंने एक विषय आपके सामने रखा है। मैं कल परसों लगातार कितने दिन तक हो सकेगा आपको बुलाकर या मटेरियल आपके पास भेज कर मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करूँ, और मैं यही पूछूंगा कि मैं जो सवाल आपके सामने उठा रहा हूँ और जो सबूत आपके सामने दे रहा हूँ वह भ्रष्टाचार है कि नहीं, और भ्रष्टाचार है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। साफ सबूत आ जाता है, जांच एजेंसियाँ जांच करके रिपोर्ट दे, उसमें त्रुटियाँ गलतियाँ साबित कर देती हैं। हाईकोर्ट कहता है, लोग पिटीशन लेकर जाते हैं, कार्रवाई नहीं। एक डेढ़ दर्जन से ऊपर ऐसे मामले हैं एक आदमी बीच करके मुद्दों पर मैं लोग आपके सामने रखेंगे। आज मैं सिद्धौड़ा बाजार में घूम रहा था, कल भी कई तीन मुद्दों पर जाता मैं।